खुसूसी बराए तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये डस्का में क्या हुआ है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, आप लोगों की जानिब से खुद ये दावा किया जाता रहा है कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे, जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फिर यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हो गया? जो दावा था उसको हमने हकीकत में बदला और उस हकीकत को अमली जामा कानून की बालादस्ती के ज़रिए हमने बनाया। हमने उन कानून शिकन अनासर को जिन्होंने इससे पहले ये रवायत बना ली थी कि इलेक्शन वाले दिन मुखालफ को बंदूक की नोक से यरगमाल बनाना है, उसकी सोच को गिरवी रखना है और ताकत के बलबोते पे वो जराइम पेशा अफराद जो थे वो पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे करते रहे और वहाँ अपने पसंद से ठप्पे लगा के इलेक्शन के नतायज को तहस नहस करके अपनी हमायत में बदलते रहे। ये वो दिन था जब मगयूर अवाम जो डस्का के थे उन्होंने ये तहैया किया कि वो इन मनशात फरोशों, जराइम पेशा अफराद, जुआ खाने चलाने वाले, कब्ज़ा ग्रुप और माफियाज के ख़िलाफ़ डट जाएंगे और उन्होंने ना सिर्फ बहादुरी से, जुरत से कानून के पासदार बन के इन अनासर को वहाँ से भगाया, उनका बल्कि मुकाबला किया और अल्टीमेटली उस हलके के अंदर जहाँ पे सारा दिन फायरिंग हुई, नून लीग के गुंडों ने राना सनाउल्ला की क्यादत में पोलिंग कैंप्स में बैठ के अवाम को डराने धमकाने और सरकारी अहलकारों को सरेआम धमकियां दी, सरकारी अहलकारों को ये बावर कराने की कोशिश की कि पीएमएलएन के अलावा अगर कोई और उम्मीदवार जो है उसको वोट डाला या कहीं पे अमले ने कानून के मुताबिक काम किया तो वो उनका मुहासबा करेंगे। ये अवाम की जीत है, डस्का के अंदर कानून की जीत है और रूल ऑफ लॉ की जीत है और इसी के लिए हमने सहूलतकारी की। ठीक, अच्छा फिरदौस साहब, ये भी बताइएगा कि चूंकि आप खुद ज़ाहिर है पंजाब में रहती हैं, वहीं के शहरों की सूरत हाल आप बेहतर जानती हैं, आजकल मौसम भी ऐसा है कि धुंध हो जाती है, ये कह देना ठीक होता है कि धुंध थी रास्ता भूल गए? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कहीं जा रही हो, धुंध मिली हो और रास्ता भूल गई हो? देखिए, धुंध की कैफियत में हमें इतफाक भी हुआ है और सरकारी प्रोटोकॉल के बावजूद हमें दुश्वारी पेश आई है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने में, और अगर ये दुश्वारी ना हो तो फिर हमें मोटरवे बंद करके ट्रैफिक की रवानी को रोकने की ज़रूरत ना पड़े। यही वो वक्त था कि जब धुंध की लपेट में मसलसल कई दिन से पंजाब के ये इलाके जो है मैदानी इलाके आए और बदकिस्मती से उस दिन भी डस्का में इलेक्शन से कुछ दिन पहले और इलेक्शन वाले दिन जिस तरह की सवियर किस्म की धुंध थी जिसमें एक हाथ दूसरे हाथ को भी सजाई नहीं देता था, ऐसे माहौल में पुलिस को एसओपीज को फॉलो करते हुए पुलिस सिक्योरिटी में वो इलेक्शन कमीशन के अपने कायदे जवाबत के मुताबिक बैलेट बॉक्स रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक पहुंचाना ज़रूरी था और जब पुलिस गई उन्होंने उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अपनी कस्टडी में, अपनी प्रोटेक्शन में अलोंग विद पोलिंग रिजल्ट एंड बैग्स आरओ के दफ्तर में पहुंचाया। तो ये कोई नई बात नहीं है, हर इलेक्शन में ऐसा होता आया है और चूंकि नून लीग का ये वतीरा है कि जहां वो जीते हैं वो शफाफ इलेक्शन है, जहां वो हारे हैं वो धांधली है, तो इन्हें वो ज़रफ़ दस्तयाब नहीं, इनके अंदर वो जो हार को मानने का एक जज्बा है वो नहीं है, ये हमेशा जीत के मज़े चखते रहे हैं, यहाँ से हार का मज़ा चखना जो है वो इन्हें नागवार गुजर रहा है। इसके अलावा ना कोई प्रोपोगंडा है और ना कोई और हकीकत ऐसी जिसके साथ ये इंटरलिंक कर रहे हैं, हकायक को मसख करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा इनको भी पता है कि हकीकत ये है कि इन पोलिंग स्टेशंस पे वाज़ेह अक्सरियत से पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं और नून लीग को वाज़ेह शिकस्त हुई है।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी चूंकि मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा सेनेट इंतखाबात की भी बात कर लेते हैं। आई गए हैं सेनेट इंतखाबात भी, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सब देख रहे हैं, आपके सामने भी है। ऐसे में जहांगीर तरीन साहब भी मैदान में आ गए, हवाओं में। क्या लगता है आपको, क्या होने जा रहा है? देखिए, सेनेट में वजीर आजम इमरान खान ने बारहा अपोजिशन को ये यकीन दहानी कराई और उनको एंगेज करने की कोशिश की, बिल लाए, उनको अमेंडमेंट्स प्रपोज की, उनको ये समझाया कि ये जो सीक्रेट बैलेटिंग है इससे आपके वोट चोरी होने का खदशा है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमपीएस को केपीके के अंदर इस अमल की वजह से पार्टी से निकाला जा चुका था। लिहाजा अपने तहफजात और खदशात का इजहार करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए जो ओपन बैलेटिंग की प्रपोजल दी, अपोजिशन ने उससे कन्नी कतराई। अपोजिशन ने उससे अब जान छुड़ाने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीर के ख़रीदने की तरफ निशानदेही करता है, क्योंकि जो ओपन बैलेटिंग है उससे ना सिर्फ ये ख़रीदार मायूस होंगे बल्कि वो मंडियां जो ज़मीर फरोशी के लिए इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन के दौरान लगती हैं वो भी बंद हो जाएंगी। लेकिन अपोजिशन, वो नदान अपोजिशन हमारी, उनको समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक गुड फेथ में उनको ये प्रपोज़ल दी है, आज भी वक्त है कि वो मिल बैठ के इस ख़रीदो फरोख्त के अमल का कोई वाजिया लाए अमल प्लान करें। अदरवाइज़ सेनेट जैसे मुकद्दस अदारे के अंदर भी ये ख़रीदो फरोख्त और ज़मीरों के सौदागर अगर पैसे के ज़ोर पे वहाँ पहुँचते हैं तो ये कानून की भी नफ़ी है, आइन की भी तोहीन है और ओवरऑल उस आइनी अदारे का भी इस्तेहकाक और तकद्दुस मजरूह होगा। ये बेसिकली सिस्टम का नुकसान है। अच्छा, एक बात और बताइएगा फिरोज़ साहब, मरियम नवाज अपने नैरेटिव की रीच बढ़ाने के लिए पार्टी गर्ल बन गई, वो जलसे से खिताब करते हुए कह रहे थे ये हम हैं, इडस्का की आवाम है और इमरान खान वोट चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, क्या कहेंगी? देखिए, मरियम कैलबरी क्वीन का आजाज उसने जो पाया सुप्रीम कोर्ट में तो वो झूठ की बुनियाद पर पाया, वो हकायक मसख करने पर पाया और जो विक्ट्री स्टैंड पे उसने गोल्ड मेडल हासिल किया वो झूठों की नानी का किया, और जो झूठों की नानी है उससे कभी सच की तवक्को नहीं की जा सकती, इसलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बेचती है, वो आवाम के जहनों से खेलती है, हकायक मसख करती है, प्रोपगंडा करती है और झूठ का प्रचार करती है, तो झूठे पर लानत भेजने के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। डॉक्टर साहब, आप मरियम नवाज़ के बारे में काफ़ी ख़बर भी रखती हैं और काफ़ी उनको मुखातिब भी करती हैं मुनफरिद नामों से, ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ थायराइड की सर्जरी के लिए बाहर जाना चाहती हैं, क्या पंजाब में इतने अच्छे अस्पताल नहीं है कि ये सर्जरी यहाँ पर हो सके, उनको मजबूरन बाहर जाना पड़ रहा है? ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और PTI ने उसकी मेजर सर्जरी कर दी है और अब वो माइनर सर्जरी के लिए बाहर भागने के बहाने ढूंढ रही है, तो यहाँ डॉक्टर्स भी हैं लेकिन डाकू नहीं हैं, तो उसे अपने जैसे डाकू डॉक्टर चाहिए जहाँ पे वो जिस किस्म की सर्जरी, फेस की सर्जरी, आसाब की सर्जरी, वो थायराइड की सर्जरी, तो उसको हाइपर थायराइडिज़म जो है वो पहले से डायग्नोज हुआ हुआ है, जो हर वक्त वो हाइपर रहती है, तो इसका मतलब है कि हाइपर थायराइडिज़म ऑलरेडी है, तो मैं नहीं समझती कि हाइपर थायराइडिज़म का पंजाब पाकिस्तान में इलाज नहीं है, वो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए उसको किसी बाहर की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका गला जो है वो टेस्ट होना ज़रूरी है, और उसको भी पता है कि कोई थायराइड, यहाँ पे करोड़ों लोग सर्जरी की वार्ड में पूरे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो थायराइड के पेशेंट हैं,
और कोई ऐसी ये बीमारी नहीं है कि जिसके लिए बाहर जा के सर्जरी हो। हर सर्जरी पाकिस्तान में अवेलेबल है। हाँ, अगर नहीं है तो वो नोटों की तिजोरी की सर्जरी नहीं है, जिस नोटों की तिजोरी को सर्जरी के ज़रिए वो रीप्लान रीडिफाइन करने जाना चाहती हैं, तो जिसकी यकीनन हुकूमत इजाज़त नहीं देगी। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब के मामलात सामने आए थे इलाज मुआलजे से मुतालिक, तो तब भी ज़ाहिर यही कहा गया कि वो तमाम सहूलियात पाकिस्तान में मैसर हैं। फिर भी जब टेस्ट हुए और पंजाब ही की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ही कहा गया कि नहीं, इनको बाहर भेजना होगा। अभी आप कह रहे हैं कि इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेट्स सी इस मामले में आगे चलकर होता है क्या। फिरदौस साहब, एक मामला और है, उस पर भी आपका कमेंट मुझे चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम हो रहा है पंजाब में, एक नया स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो मुझे ज़रा इससे मुतालिक बताएं, कितनी मालियत का मंसूबा है ये, कितने स्टूडेंट्स इसका हिस्सा बन सकेंगे, फैसिलिटेट हो सकेंगे इसके ज़रिए। देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीरे आज़म इमरान ख़ान का इस कौम के साथ जो वादा था कि वो रियासत मदीना के रोल मॉडल के मुताबिक पाकिस्तान की इस रियासत को ढालेंगे, तो जो हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रहमतुल्लिल आलमीन का लकब है कि वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए, तो उनकी जो सीरत तैयबा है, हयात तैयबा है, उनके अकवाल ज़रिए हैं, उसे नौजवान नस्ल तक पहुँचाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और दुनिया के अंदर उनके इन अफकार की रोशनी में हमें जो रियासत मदीना का असल कॉन्सेप्ट था उसको मार्केट करने की ज़रूरत है, और जो मार्केटिंग हमारे टीम और ऑफिसर्स हैं वो हमारा मुस्तकबिल का नौजवान है। उस नौजवान को उनकी ज़ाते अकदस के हवाले से रोशनास कराने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़ियादत में हुकूमत पंजाब ने जो फैसला किया है कि हम 14,891 तलबा तलबात को स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। ये पहले मरहले में 42 करोड़ की खतीर रकम जो है इस अहम और नेक मकसद के लिए रखी जा रही है, उसको अगले फिनंशियल ईयर में हम 1 अरब के स्कॉलरशिप तक लेके जाएंगे। इसका मकसद ये है कि जहां हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रहमतुल्लिल आलमीन चेयर कायम करें और उन स्टूडेंट्स को 50% हम मेरिट पे स्कॉलरशिप दें और 50% जो है वो डिज़र्विंग नॉन अफोर्डिंग हमारे वो स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफीद होंगे। तो ये जो लाइटेंड मॉडरेट प्रोग्रेसिव इस्लाम है उसकी हकीकी मंजिल तक पहुंचने में ये प्रोग्राम हमारी मावनत करेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब, साथ मौजूद थी आप और हमसे गुफ्तगू कर रही थी। बढ़ते हैं आगे और अब ज़रा बात करते हैं कि अभी तो 1.5 महीना बाकी है रमज़ान स्टार्ट।